हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों फिर से हाजिर हूं एक और नया वीडियो लेके, और आज हम बात करने वाले हैं देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विफ्ट के बारे में, और स्विफ्ट के दो ऐसे वेरियंट का हम कंपेरिजन करने वाले हैं जिनके अंदर जो बायर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के VXI वर्सेज ZXI वेरियंट के बारे में। वैसे तो दोस्तों सिर्फ लाख रुपए का फर्क आता है दोनों के प्राइस के अंदर। अगर गैप देखें दोनों के एक्स शोरूम का, तो लाख रुपए का गैप आप देख सकते हैं। बट दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, वही पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पे पहली बार आए या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ऐसे ऑटोमोबाइल के कंटेंट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे स्विफ्ट की लेगेसी के बारे में। दोस्तों स्विफ्ट की अगर मैं बात करूं तो 2005 के पहली बार लॉन्च किया गया था स्विफ्ट को इंडिया के अंदर, और 2005 के बाद इस सेगमेंट के अंदर बिकने वाली सबसे पॉपुलर कार ये बन गई है, क्योंकि अभी तक 3 लाख से ज्यादा हैप्पी फैमिली कस्टमर इस कार को इस्तेमाल करते हैं पूरे देश के अंदर। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके सेल फिगर की, तो इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाली कार भी यही मानी जाती है, और इस नई कार के अंदर क्या नया है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, इस कार के अंदर आपको जेड सीरीज का नया इंजन देखने के लिए मिलता है, जो पहले से आपको पोल्यूशन कम करता है, पहले से ज्यादा माइलेज आपको देता है, और फन टू ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इसके माइलेज का। जस्ट रिसेंटली अभी मैंने इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट भी किया है, तो मैं स्क्रीन पे कोशिश करूंगा कि आपको माइलेज टेस्ट सिटी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से दिखा पाऊं कितना आपको मिल पाएगा। तो दोस्तों पूरा डिटेल से आप हम जानते हैं स्विफ्ट के VXI और ZXI वेरिएंट में क्या डिटेल फर्क आता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले चाबी के साथ में। तो दोनों कार की चाबी आपको दिखा देता हूं। ये इसके ZXI वेरिएंट की चाबी आती है, जिसके अंदर काफी बढ़िया सा आपको देखने के लिए मिलता है एक रिमोट, दो रिमोट आपको यहां पर मिल जाते हैं ब्लू कलर की थीम के साथ में, क्योंकि ये अरीना चैनल से सेल आउट होती है, तो आपको ब्लू कलर का थीम यहां पर देखने के लिए मिलता है इस चाबी के साथ में। वही चाबी के अंदर आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के फंक्शन मिल जाते हैं, और एक हिडन की भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें VXI वेरिएंट की, तो VXI की चाबी आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है, एज नॉर्मल जैसे मारुति की कार की चाबियां दिखती हैं वैसी ही चाबी यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलती है। सेम फंक्शन आपको यहां पर भी अवेलेबल हो जाता है, बट दोनों के अंदर फर्क क्या आता है, क्योंकि डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर बटन ZXI वेरिएंट में आपको ज्यादा मिलता है। अब दोस्तों दोनों गाड़ी के अंदर आप कलर देख रहे हैं रेड एंड ब्लू कलर, आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद आ रहा है और किस सिटी और किस राज्य से आप वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हम भी जान सके हमारे वीडियो कहां तक पॉपुलर होते हैं। अब दोस्तों दोनों गाड़ी की अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल की बेसिकली बात करूं, तो फ्रंट प्रोफाइल से दोनों गाड़ी जो है वो डिक टू सेम आपको नजर आती है, किसी भी तरीके का फर्क आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको वहीं पे ऊपर की तरफ वाइपर मिल जाते हैं दो देखने के लिए, वॉशर मिल जाते हैं, सुजुकी का लोगो नीचे बोनट की तरफ आता है बम्पर में वहां पर देखने के लिए मिलता है, और साथ में स्टाइलिश हेडलाइट यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। बट जो हेडलाइट है वो आपको दोनों कार की दिखने में बिल्कुल सेम नजर आती है, बट टेक्निकली अगर मैं बात करूं दोनों कार की जो हेडलाइट है वो आपको डिफरेंट मिलती है। यहां पर VXI के अंदर आपको मिलती है आपको सिर्फ प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलाइट, और यहां पर आपको मिलती है LED DRL हेडलाइट्स विद LED कॉम्बिनेशन के साथ में, DRL के साथ में। एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूं जलाने के बाद। तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों जो कार हैं उनकी जो हेडलाइट है वहां से आपको डिफरेंट पता लग जाता है कि दोनों कार के अंदर हूबहू हेडलाइट दिखती सेम है, बट जो हेडलाइट के बल्ब हैं और जो फंक्शन है वो दोनों के अंदर डिफरेंट आपको अवेलेबल होते हैं। सबसे क्लोज आपको पहले दिखाता हूँ VXI की हेडलाइट, आपको येलो कलर के शेप में नजर आती है, नीचे की तरफ आपको एक ब्लेड शेप नजर आता है जो आपकी LED के साथ में यहाँ पर नहीं मिलता है VXI के अंदर, सिर्फ क्रोम की फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको नजर आता है। वही दोस्तों अगर बात करें ZXI वेरिएंट के अंदर, तो ZXI के अंदर आपको व्हाइट कलर की लाइट्स मिलती हैं, जिसके अंदर LED DRLs भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि उसके अलावा जो गाड़ी के अंदर आप फंक्शन देख रहे हैं, मेनली फंक्शन जो आपको देख रहे हैं, यानी कि जो ग्रिल है, गाड़ी का फोग लाइट हाउसिंग है, नीचे का बम्पर कॉर्नर है, या आपका जो एक्सटेंडर है फ्रंट का, वो आपको बिल्कुल कॉमन नजर आता है, उसमें कोई भी फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इवन जो सुजुकी का लोगो है उसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन साथ में सेम ही नजर आता है। अब दोनों की साइड प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों, तो साइड प्रोफाइल से भी आपको दिखाते हैं क्या क्या फर्क आपको नजर आता है। ये इसका VXI वेरिएंट है, तो साइड प्रोफाइल आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो रिम है वो यहां पर आपको स्टील के रिम देखने के लिए मिलते हैं, और टायर की डायमेंशन की बात करें तो 14 इंची के टायर्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं ट्यूबलेस ऑप्शन के साथ में।
इसके अलावा ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, तीनों के तीनों पिलर ब्लैक टेप आउट कॉम्बिनेशन के साथ नजर आते हैं। वहीं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर के साथ में मिरर, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर बात करें, ये है ZXI वेरिएंट का आपका साइड प्रोफाइल। यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर आपको 15 इंची के टायर्स देखने के लिए मिल जाते हैं विद अलॉय व्हील के साथ में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलॉय व्हील का कलर टोन कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको नजर आता है। और दोनों टायर के आपको डायमेंशन हूबहू एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चेकआउट कर सके आपके दोनों टायर में क्या डिफरेंट आपको मिलता है। तो ये वाला टायर आपको ZXI में मिलता है और ये वाला टायर आपको VXI में मिलता है। एक इंची का फर्क है, पर अलॉय व्हील का भी फर्क आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो अलॉय व्हील है वो भी आपको दोनों कार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नजर आता है। पहले करते हैं दोस्तों हेडलाइट बंद, क्योंकि शोरूम में हेडलाइट जलाना अलाउ नहीं है। अब चलते हैं दूसरी तरफ दोस्तों। तो दूसरी तरफ से मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये वाला साइड प्रोफाइल आपको ये इस तरीके से नजर आता है। वहीं चेकआउट कर सकते हैं आप इसका ZXI वेरिएंट का चेक प्रोफाइल, जो आपको सेम हूबहू नजर आता है। यहाँ पर भी आपको बी पिलर, ए पिलर, सी पिलर तीनों ही ब्लैक टेप आउट कॉम्बिनेशन में नजर आता है। वहीं दोस्तों रियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो रियर प्रोफाइल में आपको ZXI में कुछ चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो वो सबसे पहले बता देता हूँ। ZXI में आपको सबसे पहले वॉशिंग डिफोगर वाइपर वॉशर आपको ज़्यादा मिलता है, हालांकि VXI में सिर्फ आपको डिफोगर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पीछे कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आता। फोर आइस पार्किंग सेंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको पीछे की तरफ नजर आते हैं। दो रिफ्लेक्टर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जो आपको VXI और ZXI दोनों में ही मिल जाते हैं। रियल लाइट की अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आपको नई स्विफ्ट की रियल लाइट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलने वाला है। स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पर सुजुकी का लोगो देख सकते हैं। अब चलते हैं VXI के रियर प्रोफाइल में। तो VXI का रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। यहाँ पर आपको VXI का रियर प्रोफाइल देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर ग्लास पर आपको डिफोगर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पर नहीं मिलता। वाइपर वॉशर यहाँ आपको अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो सेम आपको पार्किंग सेंसर, सेम आपको रिफ्लेक्टर्स नजर आ जाते हैं देखने के लिए। और जो लाइट्स हैं रियर लाइट कॉम्बिनेशन वो आपको कॉमन मिलता है। सेम स्विफ्ट का लोगो, सुजुकी की बैजिंग आपको कॉमन नजर आती है। अब दोस्तों करते हैं पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तकरीबन 265 लीटर का बूट स्पेस यहाँ आपको अवेलेबल हो जाता है। और पार्सल ट्रे आपको VXI ZXI दोनों वेरिएंट में अवेलेबल होती है। और मेजर फर्क आपको जो नजर आएगा, यहाँ पर 60-40 फोल्डेबल सीट आपको नहीं मिलती है, जो ZXI में आपको ज्यादा मिलती है। इसके अलावा केबिन के अंदर यहाँ पर आपको लाइट किसी भी तरीके की देखने के लिए नहीं मिलती है। और यहाँ बिना लाइट के केबिन आपको देखने के लिए मिलता है VXI वेरिएंट में। बट यहाँ पर एक हुक आपको दिया जाता है जो आपको छोटे मोटे सामान को आप हैंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ZXI की अगर रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर सीट आपको 60-40 फोल्डेबल रेशियो के साथ में मिलती है। और इसके अलावा जो 60-40 रेशियो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सीट है वो दो पार्ट में आप फोल्ड कर सकते हैं। हालांकि पार्सल ट्रे यहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाती है। और केबिन के अंदर यहाँ पर पीछे बूट में एक लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको अंधेरे के समय में काफ़ी हेल्प करता है। जब आप गाड़ी रात के समय में कोई सामान इन एंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईजिली मिल जाता है। उसके अलावा दोनों गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है आप उसको यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर पीछे जो है वो आपको 10 mm यहाँ पर जो स्पेस है ये वाला आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे की तरफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेज रखने में थोड़ी सी आसानी हो सके, ताकि आप जो भी लगेज वगैरह है वो इजीली रख सके। तो देख सकते हैं दोस्तों रियर प्रोफाइल में दोनों कार सेम मिलती है। और एक चीज का फर्क और दिखाता हूँ, जो VXI की हेडरेस्ट है वो आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं, जबकि ZXI में हेडरेस्ट आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो VXI के हेडरेस्ट है वो आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं, इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बट ZXI के जो हेडरेस्ट है आप उनको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। अब करते हैं दोस्तों इसको बंद, दिखाते हैं आपको यहाँ पर ZXI का पहले केबिन। तो ZXI का केबिन कुछ इस तरीके से आपको दरवाजे नजर आते हैं, ब्लैक ट्रिम आउट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा पीछे AC वेंट, ए टाइप, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो देख सकते हैं थाई सपोर्ट वगैरह यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबली फील कराती है। उसके अलावा जो सीट है वो 60-40 फोल्डेबल आती है। 3-point सीट बेल्ट रिमाइंडर आ जाते हैं और 3 सीट बेल्ट आपको पीछे ऑफर की जाती है स्विफ्ट के ZXI और VXI दोनों ही वेरिएंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये हेडरेस्ट की जो है आप हाइट के हिसाब से यहाँ से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं VXI के रियर प्रोफाइल में। तो VXI का रियर प्रोफाइल भी चेकआउट कराते हैं दोस्तों आपको। तो रियर प्रोफाइल से गाड़ी का जो है स्विफ्ट का VXI यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ट्रिम आउट मिलेगा। हालांकि दरवाजे दोनों कार के सेम आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्रोम का डोर हैंडल, बोतल होल्डर का स्पेस साथ में यहाँ पर आपको मिस आउट मिलेगा। AC वेंट, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। पीछे केबिन कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सेम सीटिंग पोस्चर आपको मिलता है, सेम सीट आपको मिल जाती है। सिर्फ हेडरेस्ट का फर्क आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड और हाइट एडजस्टेबल वाला ऑप्शन सिर्फ ये फर्क आपको देखने के लिए मिलता है।
अब दोस्तों साथ के साथ चेकआउट करा देता हूँ इंटीरियर आपको ब्लैक VXI वेरिएंट का। तो सबसे पहले करते हैं VXI को, सबसे पहले करते हैं यहाँ पे VXI की इग्निशन ऑन, और VXI इग्निशन ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का इंटीरियर क्लास। पूरा का पूरा इंटीरियर यहाँ पर आपको ब्लैक टोन के साथ में ऑफर किया जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक टोन का पूरा इंटीरियर आपको मिल जाता है। साथ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है, जिसपे स्टीयरिंग पे म्यूजिक के कंट्रोल, साथ में यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल आपको मिलता है इसका स्टीयरिंग, यानी कि टिल्ट स्टीयरिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के हिसाब से, और ड्राइवर हाइट सीट एडजस्टेबल यहाँ पर VXI में अब ऑफर नहीं की जाती है। हेडरेस्ट की अगर बात करें तो ड्राइवर को ड्राइवर दोनों हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल है, अपोस्टी सेम आपको VXI और ZXI में सेम मिलने वाली है, तो वो किसी भी तरीके का फर्क आपको नहीं मिलेगा। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की फर्क की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कुछ इस तरीके से मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको मिलती है, जिसमें आपको दरवाजे वगैरह खुले हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है। पूरा मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको MID के अंदर ऑफर कर देता है। इसके अलावा स्टीयरिंग पे बैठने के बाद मैं देखूं तो काफी कंफर्टेबली यहां पर मैं बैठ सकता हूं और काफी अच्छे से इसको चीजों को इस्तेमाल भी कर सकता हूं। म्यूजिक स्टीरियो मिलता है आपको स्मार्ट प्रो के साथ में, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है, और ऑन एयर अपडेट का प्रोसेस भी मिल जाता है। और इतनी स्मार्ट कार है कि आपको आपके एवरेज, इसकी हिस्ट्री पूरी कैलकुलेशन, कितना माइलेज आपने दिया, कितना रिफिलिंग कराने पर आपको एवरेज मिला है, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाती है। और ये वायरलेस को सपोर्ट करता है, यानी कि जब आप अपना एप्पल कारप्ले या ऑटो एंड्रॉइड फीचर चलाते हैं तो वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल मिल जाता है, प्लास्टिक ट्रिम आउट ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है पूरी तरह, क्रोम का डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिलता है। इसके अलावा दोस्तों केबिन के अंदर आपको यहाँ पर सनवाइजर पे ही मिल जाता है एक वैनिटी मिरर, केबिन के अंदर एक लाइट आपको यहाँ पर दी जाती है, और दूसरा सनवाइजर बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है, जिसमें सिर्फ टिकट होल्डर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये है इंटीरियर क्लास आपका VXI वेरिएंट का। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट में एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है क्योंकि रात के समय में लाइट में आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है, USB पोर्ट भी मिल जाता है साथ में। यहाँ पर अगर देखिए तो दो का फोल्डर दिए गए हैं, साथ में छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस याद नहीं है, मैं मोबाइल वगैरह अगर अपना रखना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, रख सकता हूँ आराम से बहुत ईजिली। बाकी गियर पोजीशन की अगर बात करें तो ये गियर ऑटोमेटिक गियर वाली पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख जाती है। केबिन की लाइट को करते हैं बंद और चाबी को निकाल लेते हैं अभी। ये है VXI, और अब चलते हैं दोस्तों ZXI वेरिएंट की तरफ। तो ZXI वेरिएंट में क्या क्या फीचर का अपग्रेडेशन हो जाता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे रिक्वेस्ट सेंसर बटन, आपको दरवाजे पे देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि मैं गाड़ी के अंदर इजीली इन एंड आउट कर सकता हूँ अगर चाबी मेरी पॉकेट के अंदर रखी हुई है। वहीं दोस्तों अगर बात करेंगे ट्रिम आउट्स के अंदर, तो प्लास्टिक ट्रिम आउट यहाँ पर खत्म हो जाता है, यहाँ पर फैब्रिक ट्रिम आउट देखने के लिए मिलता है। सिल्वर एक्सेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो विंडो है वहाँ पर सिल्वर एक्सेंट्स की फिनिशिंग, साथ में क्रोम डोर हैंडल, रिक्वेस्ट सेंसर बटन, ये सारे फीचर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं। नीचे बोतल होल्डर वगैरह, वो स्पेस बिल्कुल कॉमन है, उनमें कोई फर्क नहीं है। अब बात करेंगे सबसे पहले ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल यहाँ पर आपको मिल जाती है ZXI वेरिएंट के अंदर, जो VXI में आपको ऑफर होती हुई नहीं दिखती है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ऑलमोस्ट इंटीरियर सेम आपको मिलता है, बट फंक्शनलिटी का फर्क आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू VXI वेरिएंट के मुकाबले। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठ के देखते हैं सबसे पहले केबिन में क्या फर्क आपको नजर आएगा। जो फर्क दिखने वाला है विजिबल है, स्टीयरिंग ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलता है दोनों गाड़ी के अंदर। और अगर बात करें तो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यहाँ पर आपको कॉमन ही नजर आता है, कोई भी फर्क आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको जो विंडो के सीट बेल्ट के जो रिमाइंडर्स है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ, कॉमन स्टीयरिंग यहाँ पर इस्तेमाल होता है VXI ZXI दोनों के अंदर, कोई फर्क नहीं है, सेम कंट्रोल्स मिलते हैं, सेम फ्लैट बॉटम का स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। साथ में यहाँ पर फिनिशिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिनिशिंग आप ये देख सकते हैं, क्रोम का बेजल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वहीं दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर बढ़ जाती है जो डैशबोर्ड में आपको नजर आती है, सबसे पहले मैं लाइट को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको ये बेजल जो ऑर्नामेंट्स हैं वहाँ पे सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग थोड़ी सी देखने के लिए मिल जाती है, तो ये आपको विंडो पे यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। साथ में AC के ऑटोमेटिक कंट्रोल्स यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं मिलता। और ये देख सकते हैं बटन सेम डिक्टू वैसे ही है जैसे यहाँ पर भी दिखते हैं। सेम म्यूजिक स्टीरियो सेम फंक्शन के साथ यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इवन इसके अंदर कैमरा नहीं है, तो कैमरे की पोजीशन यहाँ पर आपको दोनों में ही दिखाई नहीं देती है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ केबिन के अंदर दो तीन चीजें जो दिखने वाली विजिबल हैं वो ज्यादा दिखती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। दोबारा से लाइट करता हूँ मोबाइल की ऑन, आपको दिखाते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी चार्जिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। सेम 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर नजर आता है, साथ में यूएसबी लगाने के लिए यहाँ पर भी आपको जगह दे दी गई है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट के साइड में ही। वायरलेस चार्जिंग यानी कि अगर आप फोन यूज कर रहे हैं या सैमसंग के अपग्रेड फोन यूज करते हैं तो यहाँ पर आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं, जो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नीचे की तरफ सेम 2 का फोल्डर, सेम ऑटोमेटिक ये भी है, तो यहाँ पर गियर नॉब आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है। बाकी केबिन के अंदर सनवाइजर वही है, लाइट वही है, दोनों टिकट होल्डर वगैरह ये जो आप देख रहे हैं चीजें, ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब आपको कॉमन ही नजर आते हैं, जिनमें कोई ऐसा दिखने वाला विजिबल फर्क आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका इंटीरियर है ZXI वेरिएंट का। अब बात करते हैं बाकी चीजों पे। बाकी दोस्तों तो बात करते हैं दोनों कार के इंजन के बारे में। दोनों कार में सेम इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, 1.2 सीसी का जेड सीरीज का नया अपग्रेडेड वर्जन वाला इंजन, जो काफी अच्छा फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देता है। सेम आपको पावर प्रोवाइड करता है जैसी पहले इंजन में होती थी, बट उसे काफी ज्यादा रिफाइन इसको रखा गया है, और इसके अलावा ज्यादा माइलेज भी देता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि 14% पोल्यूशन कम करता है अपने पिछले वाले वेरिएंट से। इसके अलावा जो इंजन की क्वालिटी है, जो इंजन के अंदर का बे क्वालिटी है, उसको काफ़ी इंप्रूव किया है मारुति ने, जिसके अंदर हार्टेक प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल स्टील से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टील का इस्तेमाल करने के बाद बनाया गया है। इसके अलावा आप अगर छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, यानी कि बोनट के पास रबड़, दरवाजों के पास रबड़, उन इंसुलेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, ताकि जो एनीवेज लेवल है गाड़ी के अंदर कम से कम आपको मिल सके और एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप यहाँ ले सकें। अब दोस्तों बात करते हैं सेफ्टी पॉइंट से, तो सेफ्टी पॉइंट से ये कार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है मारुति की, क्योंकि ये अरीना चैनल पे पहली हैचबैक है जिसके अंदर आपको 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। उसके अलावा 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है गाड़ी के अंदर, ESP, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, जितने भी सेफ्टी प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं लगाने के लिए, जो भी नई कार्स आती हैं उनके अंदर, वो सारे फीचर्स आपको इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो इस कार की क्वालिटी है, वो पहले वाला एक्सपीरियंस है, वो तो आपको मिलने वाला ही है, उससे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करने वाली है, उससे ज़्यादा सेफेस्ट ये पहले वाले वर्जन से होने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। बाकी दोस्तों मारुति की कोई भी कार लेना चाहते हैं, चाहे नेक्सा चाहे अरीना, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये मोटरग्राफ गाजियाबाद का नंबर है, जहां पर आपको बेस्ट डील, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इवन अगर आप कुछ पुरानी कार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पुरानी कार के बदले में आपको बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू भी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। तो देरी मत कीजिए, अगर कोई भी कार लेना चाहते हैं तो जल्दी कॉल कर लीजिएगा मोटोग्राफ गाजियाबाद में, और मेरा रेफरेंस देंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको बेस्ट डील जरूर मिलने वाली है। बाकी दोस्तों ऐसे कंटेंट के लिए बने रहिएगा, जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, 2-व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने, और दोस्तों इन सब के लिए आप पैसे भी खर्च करते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।